हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में मैं आप सबको स्वागत करता हूं हमारे चैनल में जिसका नाम है एश एजुकेशन स्टार्ट स्मार्ट। ठीक है, आप देख सकते हैं पीछे मेरे वो भी लिखा है। तो यहां पर बेसिकली आई एम राज सर एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। स्पेसिफिकली सब लोगों को मालूम है कि अभी हम लोगों का 10th बच्चों का खत्म हो चुका है एंड वो लोग वेट किए हैं रिजल्ट के लिए, और जो लोग 11th में थे या प्लस टू फर्स्ट ईयर में थे स्टेट बोर्ड में, वो लोग अभी सेकेंड ईयर में ऑलरेडी जा चुके हैं। तो कुछ कुछ तो सब लोग पढ़ चुके हैं, तो मैं आज एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट सबको समझाने वाला हूँ, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर योर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। उसका नाम है डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, या उसे हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। स्पेसिफिकली जो लोग अच्छे से कूलम्स लॉ पढ़ चुके हैं, मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा लेता हूं। हमें मालूम है कि अगर हम दो चार्ज लेंगे, सोचिए कि दो पॉइंट चार्ज हैं, एक है Q1 और एक है Q2, और अगर हम उन दोनों को के अंदर का एक डिस्टेंस लिखेंगे R, फॉर एग्जांपल वी विल राइट अ डिस्टेंस R, देन व्हाट वी विल सी दैट Q1 एंड Q2 आर गोइंग टू फोर्स डालेंगे एक दूसरे के ऊपर, एंड डिपेंडिंग ऑन द नेचर, अगर दोनों पॉजिटिव है दे विल रिपेल ईच अदर, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। दिस इज यू ऑल नो फ्रॉम कूलम्स लॉ, एंड कूलम्स सेड इन मैथमेटिकल फॉर्म दैट F इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, वेयर Q1 एंड Q2 आर टू पॉइंट चार्जेस, R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, K इज कॉल्ड your Coulomb's constant, also called as proportional constant, and it has a specific value called as 1/4πε₀, having a value of 9×10⁻¹. This value only applicable when you talk about the SI system, मतलब वो system आप ले रहे हैं force calculate करने के लिए, अगर वो SI system में है, and The intervening medium, मतलब इनके बीच का जो मीडियम है that must be vacuum. अगर सेम आप लेंगे वैक्यूम के लिए CGS लेंगे तो इस K का वैल्यू हो जाएगा 1. This is for CGS system. So those who already read about the concept of Coulomb's law, उन लोगों को इतना तो मालूम होगा। अब हम बात करेंगे कि अगर Q1 Q2 के ऊपर एक फोर्स डाल रहा है तो कितने अमाउंट ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस वो परमिट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे Q1 Q2 को आप वैक्यूम में लिए, सोचिए कि ये अंदर का ये जो प्लेस है ये वैक्यूम है, आपको मिल गया सोचिए 10 न्यूटन का फोर्स। आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी बेसिक एग्जांपल। जब आप यही सेम सिस्टम को, सेम सिस्टम मतलब Q1 Q2 सेम रहेगा, R भी सेम रहेगा, बस आपको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग वैक्यूम इन बिटवीन, सोचिए कि आप कोई और एक कोई भी एक ले गए, सोचिए कि यहां पर आप इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस वैक्यूम, लेट अस से यू आर गोइंग टू टेक एनी मीडियम, ठीक है, लेट अस से यहां पर हम लोग ले गए वाटर ले लिए या मर्क्यूरी ले लिए, कुछ भी ले लिए, आप देखेंगे कि सेम सिस्टम होगा, मीडियम चेंज होते ही उन दोनों के बीच का जो फोर्स होता है वो भी चेंज हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, या फिर उसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। सो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी उसका सिंबल है एप्सिलॉन आर, ठीक है, बच्चों में यहां बड़ा दिक्कत होता है, ये है एप्सिलॉन, ठीक है, EPSILON, एप्सिलॉन आर फॉर रिलेटिव परमिटिविटी, और हम उसको बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो हम क्या करेंगे, पहले हम एक सिस्टम लेंगे, जैसे कि हम लोग थोड़ी देर पहले बात किए, दो चार्ज होंगे उनके बीच में रहेगा वैक्यूम, ओके, तो उसके लिए हम लिख देंगे फोर्स वैक्यूम आज पर कूलम्स लॉ इन SI सिस्टम, ओके, बेसिकली वी आर राइटिंग 1/4πε₀, epsilon naught is called absolute permittivity of free space, ठीक है, and there are charges Q1, Q2 by R square, उसको दे देंगे equation 1, ठीक है, उसके बाद हम लोग लेंगे फिर से
क्या करेंगे, सेम सिस्टम को ले लेंगे किसी भी रेंडम मीडियम में। सोचिए कि हम उसको लिख देंगे एफ मीडियम। आप इसको एफ नॉट, इसको एफ प्राइम भी ले सकते हैं, एफ नॉट इसको एफ एम भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। आपको जो सिंबल या फिर जो नोटेशन इजी लगता है यू टेक इट। ओके, सो लेट अस सी व्हाट यू विल डू नाउ। 1/4 pi नाउ एप्सिलॉन नॉट यू कैन नॉट यूज, यू हैव टू यूज एप्सिलॉन, परमिटिविटी फॉर एनी मीडियम। सो सोचिए कि मैं यूज कर लिया एप्सिलॉन, चार्जेस तो सेम है, तो हम क्या लिखेंगे फिर, Q1 Q2 by R2। ये हो गया इक्वेशन, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, नाउ वी आर गोइंग टू राइट द बेसिक पार्ट ऑफ दिस। नाउ सिंपली हम क्या करेंगे, एफ वैक्यूम को एफ मीडियम के साथ डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए अगर आप डिवाइड करेंगे, 4 pi 4 pi कैंसिल हो जाएंगे, ये पूरा सिस्टम कैंसिल हो गया, तो आपके पास रहा क्या, 1 by epsilon naught होल डिवाइडेड बाय 1 by epsilon। सबको समझ में आ रहा है, अगर आप इसे लिखेंगे हमें मिल जाएगा epsilon by epsilon naught, clear? So this is what the basic logic। अगर हम अभी थोड़ा सा और मैथमेटिक्स देखेंगे, so हमें क्या मिल गया, सोचिए कि f वैक्यूम के लिए I am putting f naught and f मीडियम के लिए I am putting fm equal to epsilon by epsilon naught। This is what we got. Everyone clear about it? So, ये चीजों को अच्छे से मार्क कीजिए। Okay, now what to write? Look, this f naught by fm. Okay, this f naught by fm can be represented by the name which I took as dielectric. This is ratio of force between two charges in vacuum with respect to a medium. आपको यहां से इजीली मालूम पड़ा कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, तो वहां थोड़ा उल्टा होगा वहां, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। तो फिर क्या करेंगे वहां पर, फिर अगर हम लोग देखें कि सिंपली ओके, सो लेट अस से नाउ गो फॉर द अदर पार्ट। लेट अस से दिस वन इज एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, इसे हम लिखेंगे आज एप्सिलॉन आर। अंडरस्टूड? सो फ्रॉम हियर वी गॉट टू फॉर्मूले, वन फॉर्मूला सेइंग दैट द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू एनी मीडियम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन एनी मीडियम टू परमिटिविटी इन फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम लोग धीरे धीरे करेंगे। सो धीरे धीरे चैप्टर वाइज हर पार्ट को मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, सो स्टे ट्यून्ड, काइंडली सब्सक्राइब, सो आपको अपडेट्स मिलते जाए।